कॉन्टेंट्स बादाम बीट्स, अमूल के नाम से आप सजेग हो जाइए, जो यहाँ पे मार्जिन बहुत ही कम आपको मिलने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों दुकान में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अमूल कूल शेकर्स की, जो कि बादाम फ्लेवर में आती है, कैन है 200 ml की, जो कि 40 रुपए की MRP में आती है। आज हम जानेंगे इसमें एजेंसी में कितना आपको मार्जिन भी देता है एजेंसी वाला, इसमें बिक्री कैसा है, क्योंकि यहाँ पे ठंड का मौसम चालू हो चुका है, देख सकते हो इशारा इसका, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको मार्जिन कितना मिलता है, बिक्री कैसी है और इस पर ट्रेंड कितना है। अब मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये जूस और शेक, जो बोल लो आप। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो है आपके लिए, स्पेशल मैंने बनाया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा। जुड़े हैं दुकान वाला के साथ, एक और नए प्रस्तुति में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले अमूल कूल शेकर्स की, जो कि यहाँ पे बादाम फ्लेवर में है, यहाँ पे कैन के रूप में आता है ये। अब बात करते हैं, जो मैं इसको ठंडी में क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड का मौसम है, नवंबर बीता जा रहा है, मतलब दिसंबर आने ही वाला है अब, तो उसके हिसाब से मैं इसको क्यों लाया हूँ। तो मेन मुद्दे की बात ये जानिए, क्योंकि यहाँ पे बिक्री इसीलिए है, लगन त्यौहार का एक तो मौका है, क्योंकि लगन त्यौहार धड़ल्ले से नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाता है लगन त्यौहार, और बारातियों का स्वागत में यहाँ पे अमूल कूल दिया जाता है, तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा बात है। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पर्सनली बादाम फ्लेवर का जो कैन वाला आता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं भी इसको पीता हूँ, रेगुलर पीता हूँ, ठंडी हो चाहे गर्मी हो फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए इसको अनबॉक्स करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे मुद्दे की अगर बात की जाए तो 30 पीसेज में आती है, 200 ml की कैन है, देख सकते हो। तो ये छोटा सा बॉक्स है, चारों तरफ आप देख लीजिए, भ्रमण कर लीजिए, तो आपके लिए यहाँ पे सहायक हो सकता है। अमूल कूल शेकर्स है, देख सकते हो, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये। अब देखते हैं इसको, सुनहरा सा पीछे में पेंदी का इसका देख सकते हो लुक, बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक सा इसका लुक है। यहाँ पे इसका एक पीस देख सकते हो, अमूल बादाम शेकर्स है, कॉन्टेंट्स बादाम बीट्स। तो यहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा करके रहता है, आप अगर पिए होगे तो आप लोग अच्छे से जान सकते होंगे जो मैं क्या बता रहा हूँ। 200 ml की इसमें क्वांटिटी रहती है नेट। अब इसकी MRP अगर देखें तो इसकी MRP 40 रुपये है, यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटेड है, रुपया 40 रुपये की MRP है। पैकेट इसका है यहाँ पे 8 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 में एक्सपायर होगी, एक साल की यहाँ पे इसकी सेल्फ लाइफ रहती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसको स्टॉक करके आराम से रख सकता हूँ बिना किसी फिक्र के। तो अब मुद्दे की बात यह है जिसमें मार्जिन कितना मिलता है, तो अमूल का जहाँ नहीं नाम आता है तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अमूल के नाम से आप सजेग हो जाइए, जो यहाँ पे मार्जिन बहुत ही कम आपको मिलने वाली है, क्योंकि 7 से 8% से ज़्यादा आपको मार्जिन की उम्मीद यहाँ पे करनी नहीं है, क्योंकि अमूल का ब्रांड है तो उसमें मार्जिन नहीं है। अगर आपके तरफ इससे ज़्यादा मार्जिन है तो मुझे ज़रूर बताइए। तो 8% का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उस हिसाब से इसकी अगर खरीद की बात की जाए तो यहाँ पे 37 रुपया 33 पैसा खरीद पड़ता है, तो कुल मिला के आपको 2.5 रुपये के हिसाब से मार्जिन मिलती है। वैसे यहाँ पे 2.77 रुपया के लमसम आपको यहाँ पे मार्जिन मिलते हैं प्रत्येक पीस पे, प्रत्येक कैन पे, समझ ही सकते हो, जो 2.5 रुपये की मार्जिन लेके 40 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो भी ठंडा करके दे रहे हो, फ्री चार्ज लगता है, इतना सारा यहाँ पे लाने आने का खर्चा, ये सब जोड़ के आप लोग ना के बराबर इसमें कमाई करते हो, इसीलिए तो इसका MRP से ज़्यादा बिकता है। बिहार में तो इसका ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा है, 45 रुपये बिकता है 40 की MRP वाला जो है ये। आप कहीं भी लो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, बहुत बड़ा सिटी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, गांव देहात का ये बात नहीं, हर एक जगह यही चलता है और ये लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि मार्जिन तो है नहीं दोस्तों, इसको फ्रीज करके ऊपर से यहाँ पे एक्सपायरी का भी मामला रहता है, तो एक्सचेंज तो है नहीं, तो इसीलिए इसको यहाँ पे MRP से ज़्यादा भी बिकता है, तो उसके लिए आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दुकानदार मजबूर रहता है जो MRP से ज़्यादा बेच रहे। तो ये तो बात हो गई, अब बात करते हैं जिस पर प्रत्येक कार्टन पे मेरा प्रॉफिट कितना बनेगा। अगर मैं MRP पे ही बात करूं, अगर MRP पे ही बेचता हूं तो 80 रुपये की यहां पे मार्जिन मिलेगी, जो कि 2.66 रुपया एग्जैक्ट आपको फ्लैट में आपको डिस्काउंट यहां पे प्रॉफिट मार्जिन आपको 2.66 रुपया पड़ता है प्रत्येक पीस की, और प्रत्येक पीस की खरीद आपको 37 रुपया 33 पैसा यहाँ पर इसकी खरीद पड़ती है, तो 80 रुपये की मार्जिन है। और अगर चाहो तो आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो, जैसा कि मैंने बताया MRP के ऊपर थोड़ा सा फ्री चार्ज करके आप लोग जोड़ सकते हो। तो यही थी आज के इस वीडियो में, उससे पहले इसका लुक देख लीजिए, मेरे फ्रिज में यहाँ पे विंडो वाला है, देख सकते हो, आज ही मैंने सजाया इसको। तो यही थी आज के इस वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जुड़े रहें दुकान वाला के साथ और भी ऐसे नए नए कंटेंट देखने। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।